फेस पैक है, सैंडलवुड फेस पाउडर। सो ये इससे पहले भी मैंने टर्मरिक वाला यूज़ किया था, वो बहुत अच्छा था, लिटरली वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और ये भी बहुत ज़्यादा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज सिमरन, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा दैट टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू पीपल सम अफोर्डेबल प्रोडक्ट अंडर रुपीज़ 200। हाँ, अंडर रुपीज़ टू मे भी कुछ लाइक एक दो प्रोडक्ट ही 200 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लाइक थोड़ा सा ज़्यादा। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सो स्टार्ट विथ फेस वॉशेस। तो आई हैव टू फेस वॉश। सो फर्स्ट इज दिस, ये क्लीन एंड क्लियर का पिंपल क्लियरिंग फेस वॉश है, ऑल कंट्रोलिंग है। इसमें नीम एंड लेमन एक्सट्रेस है जो पिंपल को क्योर करने में अच्छा होता है, और ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ऑलमोस्ट आप देख ही सकते हैं, मैंने इसको ख़त्म भी कर चुका है। सो या एंड सेकेंड आई हैव दिस काया वन। सो ये पिंपल फ्री फेस वॉश है फॉर ऑयली स्किन, फॉर ऑयली एंड सेंसिटिव कॉम्बिनेशन स्किन, और ये बहुत ज़्यादा जेंटल फेस वॉश है। तो अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या फिर आपको एक्नी या फिर पिंपल्स होता है लाइक रेगुलर बेसिस में, सो यू कैन चेक दिस आउट। और ये दोनों ही फेस वॉश बहुत अच्छे हैं। इसको तो मैंने पूरा लाइक ख़त्म कर ही दिया है, और ये मतलब थोड़ा सा है। सो अगर आपको सेपरेट वीडियोस चाहिए रिव्यू लाइक ये फेस वॉश कैसा है, या फिर ये, या फिर मैं आज हॉल में जो जो प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ किसी का भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए लाइक प्रॉपर हाउ द प्रोडक्ट इज़ अबाउट द प्रोडक्ट, वो मेरे पे कैसा मतलब मेरे पे कैसा इफेक्ट हुआ, अच्छा कि बुरा, वट एवर, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द। फेस वॉश के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टोनर। सो ही आई हैव ओनली वन टोनर, ये गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर है ये। हाँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा टोनर है, बट अगर आप अगर इसको अपने आईज़ में बाई मिस्टेक स्प्रे कर लेते तो वो लाइक इतना गंदा बर्न होता है, लाइक आई कैन एक्सप्लेन, बहुत ज़्यादा जलता है, तो केयरफुल रहिए इसके साथ। हाँ, ये ऐसे बहुत अच्छा टोनर है, और गुड वाइब्स के बहुत सारे अलग अलग भी मतलब टोनर्स आते हैं। गुड वाइब्स के बहुत अलग अलग लाइक वैराइटीज़ ऑफ टोनर्स भी आते हैं, सो जैसे कि कुकुम्बर हुआ, या फिर रोज़ हुआ, या फिर और भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। सो या आई एम यूजिंग दिस ग्रीन टी वाला, एंड ये बहुत ही अच्छा है। सो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छा है, और पिंपल स्किन के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो नेक्स्ट में मेरे पास दो जेल है, ये भी गुड वाइब्स की तरफ से है, गुड वाइब्स का है। सो दोनों ही गुड वाइब्स के हैं, और ये पपाया जेल है और ये ऑरेंज जेल है, और दोनों ही बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा लाइक इसका स्मेल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, और इसका स्मेल तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मीन्स यूज़ करने के बाद सीरियसली लगता है कि कोई ऑरेंज का कुछ स्मेल है। बहुत ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ये थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ लगाया है, थोड़ा स्टिकी स्टिकी होता है। और इसका MRP है 175 रुपीज़। 175 में आपको 50 ग्राम्स मिलता है, और पीछे सारा इंग्रेडिएंट मेंशन है एज यू कैन सी। सो और ये ऑरेंज वाला है, तो इसका प्राइस 215 रुपीज़ लेता है। सो 215 में आपको इतनी बड़ी इतना ज़्यादा अमाउंट मिलता है 10 ग्राम्स का। सो ये मुझे, मैंने पर्पल से कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर किए थे तो ये मुझे फ्री में मिला उनके साथ, और इसका छोटा सा भी टब आता है, आई थिंक वो भी अंडर 175 या 150 का है, मुझे इतनी अच्छी तरीके से नहीं मालूम। सो ये दोनों ही जेल बहुत अच्छे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। एक अफोर्डेबल इस प्राइस में आपको इतना ज़्यादा अफोर्डेबल जेल मिल जाता है, और दोनों ही बहुत अच्छा है। और जैसे आपको पता ही है विटामिन सी है होता है ऑरेंज में, वो स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करने में अच्छा रहता है। और पपाया भी अगर आपके स्किन में ब्लेमिशेज है या फिर पिंपल का मार्क है तो वो भी क्योर करने में हेल्प करता है, तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। सो सेकेंड आई एम गोइंग टू टेल अबाउट दिस स्क्रब।
और ये एवर यूथ का स्क्रब है और इसकी MRP 75 rupees है। 75 rupees में आपको 50 gram का प्रोडक्ट मिलता है। और ये आपका अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है देन आई विल नॉट रिकमेंड दिस। और बाकी ये बहुत अच्छा है एंड मैं जब भी इसको यूज़ करती हूँ आफ्टर वॉशिंग माई फेस मुझे यहाँ फील होता है कि मेरा स्किन थोड़ा सा लाइक प्लेन लगता है, लाइक सॉफ्ट लगता है, प्लेन लगता है और साथ ही साथ ये हाइड्रेट भी करता है। लाइक तो मॉइस्ट इसको यूज़ करने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ मैंने मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। सो इफ़ यू वांट यू कैन चेक दिस आउट। आफ्टर स्क्रब मेरे पास कुछ फेस पैक्स हैं। तो फर्स्ट ये बायोटिक का फेस वॉश है, बायोटिक का बायो फ्रूट वाइटनिंग टैन रिमूविंग फेस पैक है। सो इसको यूज़ करने के बाद मेरा स्किन थोड़ा सा बर्निंग फीलिंग होता है लाइक ओनली फॉर 2 to 3 seconds, उसके बाद अच्छा ही है। तो इसका MRP भी 75 rupees है और 75 में आपको 50 gram का प्रोडक्ट मिल जाता है। और ये भी अगर आप लाइक चीप एंड बेस्ट फेस पैक्स में देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा है। और हाँ थोड़ा सा ही बर्न होगा, नॉट लाइक घंटों तक बर्न होता रहेगा। और अगर इसको लगाने के बाद आपको स्किन को थोड़ा भी लाइक बर्न हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा बर्न होने लगा या फिर कुछ, सो प्लीज़ अवॉइड दिस प्रोडक्ट। सो सेकेंड मेरे पास फिर से गुड वाइब्स का रेड क्ले पाउडर है। और ये पाउडर ये बहुत बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। और इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट लगती है व्हेन यू यूज़ दिस प्रोडक्ट। ऑब्वियसली ये क्ले है तो ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आपका अगर ओपन पोर्स है मेरी तरह सो आपके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। आप इसको थोड़ा थिक थोड़ा थिक बना के यूज़ कीजिएगा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पानी या फिर रोज़ वाटर, आप इसको रोज़ वाटर के साथ भी यूज़ करो। नेक्स्ट जो फेस पैक है वो फिर से बायोटिक का है। तो ये बायोटिक का सिनेमन फेस वॉश है। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, ये कुछ ऐसा दिखता है। और इसके साथ ये अच्छा खासा पैकेजिंग मीन्स कवर होके आता है। इट्स लुक लाइक समथिंग दिस। उसका स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक आपने वो पतंजलि का वो दंत क्रांति टूथपेस्ट यूज़ किया होगा ना, उसका स्मेल काइंड ऑफ उसी के जैसा है। और ये इसको यूज़ करने के बाद भी मतलब थोड़ा सा बर्न होता है स्किन, थोड़ा सा टिकलिंग टाइप ऑफ फीलिंग होता है ओनली फॉर 2 to 3 seconds, उसके बाद कुछ नहीं होता। और ये भी अगर आपको एक्ने होता है या फिर आपको किसी चीज़ से एलर्जीज हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, सो यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो, ये बहुत ही अच्छा है। और इसकी MRP 199 rupees है। 199 में आपको 75 gram का प्रोडक्ट मिलता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड डील। नेक्स्ट जो मेरे पास फेस पैक है ये आंबा गुडनेस का फेस पैक है, सैंडलवुड फेस पाउडर। सो ये इससे पहले भी मैंने टर्मरिक वाला यूज़ किया था, वो बहुत अच्छा था, लिटरली वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। ये 95 rupees का है। 95 rupees में आपको 50 gram का प्रोडक्ट मिलता है। तो ये भी एक अच्छा डील है। तो या आफ्टर कंप्लीटिंग फेस पैक एंड ऑल, सो नाउ आई हैव सम मॉइस्चराइज़र। तो सबसे पहले मेरे पास ये लैक्मे का है और ये 24 hours मॉइस्चर लॉक करता है। 24 hour मॉइस्चर लॉक का तो मुझे नहीं मालूम, बट हाँ ये मेरा स्किन ऑयली भी है, कभी कभी ड्राई भी हो जाता है, पता नहीं क्यों। सो पता नहीं कॉम्बिनेशन है कि ऑयली है, आई ओनली डोंट नो। सो हाँ ये प्रोडक्ट मेरे स्किन पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने इसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही दिया है एज यू कैन सी। और इसका MRP 105 rupees का ये है। 105 rupees में आपको 65 gram का प्रोडक्ट मिलता है। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड डील। यू कैन वन एटलीस्ट एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं। आपको अगर ऑयली स्किन है या फिर बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है आपके स्किन पे, सो यू कैन चेक दिस आउट ऑल्सो। और इसके बाद मेरे पास ये आम
हम्स गुडनेस का फेस क्रीम है, सैंडलवुड फेस क्रीम है। सो इसका भी प्राइस आई थिंक 75 रुपीज़ है। इसका भी प्राइस 75 रुपीज़ है। 75 रुपीज़ में आपको 30 ग्राम का प्रोडक्ट मिलता है। और मैंने छोटा वेरिएंट इसे लिया था बिकॉज फर्स्ट आई वांट टू ट्राई। अगर मुझे ये अच्छा लगेगा नेक्स्ट आई विल रीपर्चेज। सो लाइक ये तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रीपर्चेज दिस वन। और ये मुझे मतलब उतना नॉट लाइक ये मुझे जितना अच्छा लगा कंपेयर टू दिस, मुझे ये इतना भी अच्छा नहीं लगा, बट हाँ दिस इज ऑल्सो गुड। सो आप इसको जब लगाते हैं स्किन पे तो हल्का सा टिंट लाइक हल्का सा ग्लोई पिंकी टिंट काइंड ऑफ लुक मीन्स आपका फेस दिखता है। सो आप अगर मेकअप नहीं करना चाहते तो यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो। और इसके बाद मेरे पास है लैक्टो कैलोमाइन। सो ये मेन ऑयल बैलेंस करता है, ये सीरियसली ऑयल बैलेंस करता है, नॉट लाइक बहुत ज़्यादा बट हाँ ऑयल बैलेंस करता है। और इसकी MRP है 75 रुपीज़। 75 रुपीज़ में आपको थर्टी एम एल का प्रोडक्ट मिलता है। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है। सो नेक्स्ट आई हैव टू सीरम्स। सो ये दोनों ही गुड वाइब्स से है। ये गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड ई सीरम है और ये गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम है। और इसका MRP है 225 रुपीज़। सो दोनों ही कितने ml के हैं, ये दोनों ही 10 ml के प्रोडक्ट है दोनों में ही। और ये दोनों सीरम्स मुझे नॉट लाइक सो मच बट हाँ अच्छे लगे। और एक्चुअली एक ही प्रॉब्लम है ये दोनों सीरम्स में, मेरा स्किन ऑलरेडी ऑयली है और इसको यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा स्टिकी स्टिकी फील होता है, लाइक ऐसे ऐसे लिटरली ऐसे ऐसे फील होता है। सो मैं अधिक मीन्स ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती बिकॉज ओनली नाइट टाइम में ही यूज़ करती हूँ बिकॉज मॉर्निंग में आई कैन यूज़। और या सो अगर आपका स्किन ड्राई है तो ऑब्वियसली यू गो एंड चेक दिस आउट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। नेक्स्ट आई हैव दिस बीबी क्रीम फ्रॉम NYBay। ये NYBay का बीबी क्रीम है विथ SPF 20। मेरे को सन टैन बहुत जल्दी होता है। एज यू कैन सी अभी भी मुझे अच्छा खासा सन टैन हुआ पड़ा है। और अगर धूप बहुत ज़्यादा रहती है तो लिटरली 2 to 3 minutes में आई गेट टैन लाइक एनीथिंग, आप अभी जैसा देख ही सकते हैं। सो ये मेरे शेड से थोड़ा आई थिंक 1 या 2 shades लाइटर है, बट ये बीबी क्रीम है तो आई कैन यूज़ एज अ कंसीलर ऑल्सो समटाइम एज अ फाउंडेशन ऑल्सो, क्योंकि बीबी क्रीम इतना ज़्यादा कवरेज नहीं देता है। और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये आई थिंक 175 रुपीज़ का है। और ये बहुत अच्छा है। मेरे पास ये लिप बम है और ये 60 रुपीज़ का, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लिप बम है। आई थिंक आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम 3 months। हाँ और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिप बम है। आपके अगर लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो पक्का यू गो एंड चेक दिस आउट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।